अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आज आप सीएमएचओ ऑफिस पहुंचे, किस शिकायत को लेकर पहुंचे? देखिए, मेरा बच्चा जो कि 5 साल का था, पिछले शनिवार के दिन 24 अगस्त के दिन डॉक्टर शुक्ला और संस्कार हॉस्पिटल द्वारा गलत इलाज करके उसको सीरियस कर गया, और सीरियस करने के बाद उसके साथ बर्बरता पूर्वक इंजेक्शन पे इंजेक्शन, बॉटल पे बॉटल लगाई गई, और यहाँ तक कि उसको इतना ज़्यादा वो कर दिया कि बच्चे की हालत आज नाजुक है। बच्चा क्रिटिकल स्थिति से ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। इसकी शिकायत मैंने कलेक्ट्रेट में, सिटी कोतवाली में, सीएमएचओ में, और भोपाल जो कि आईएमओ अधिकारी हैं उन तक को दी है मैंने। और निश्चित तौर पे मैं निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा हूँ बड़े अधिकारियों से कि इस पर निष्पक्ष जाँच हो, क्योंकि हमने लास्ट टाइम शुक्ला जी को जब बच्चे की हालत बिगड़ी थी, बच्चा 8:30 बजे तक स्वस्थ था, उसके बाद जब शुक्ला जी को बुलाया, जो कि हॉस्पिटल में मौजूद होने के बाद शुक्ला जी हमारे बुलाने पे आए नहीं, और एक पार्टी में जाना ज़रूरी समझा उनने। शुक्ला जी का कहना है कि बच्चे को पहले से ही झटके आते थे, तो पहले से उन 3 साल पुराने पर्चे हैं उनके मेरे पास, और पहले भी वो इलाज करते आ रहे हैं। आज तक उनने खुद ने झटके का इलाज नहीं किया, क्योंकि मेरे बच्चे को किसी टाइप की कोई पुरानी, और मैं हर तरह के मेडिकल परीक्षण को कराने के लिए तैयार हूँ। आज जो हमने इलाज कराया है, एमआरआई नॉर्मल है, सीआईएसएफ रिपोर्ट नॉर्मल है। अगर पूर्व में बच्चे के साथ कोई केस हिस्ट्री होती है तो इतनी सारी जांचें नॉर्मल नहीं आती है। मैं मांग करूंगा कि सीएमएचओ, कलेक्टर साहब, डॉक्टर शुक्ला और संस्कार हॉस्पिटल के पूरे मैनेजमेंट और उनकी निष्पक्ष जाँच करके, आज ये मैं हूँ, किसी गरीब के साथ कुछ नहीं हूँ, इसलिए उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। वहाँ के बाद आप कहाँ पर ले गए बच्चों को इलाज के लिए? मैं वहाँ के बाद इंदौर में मेडी प्लस लेके गया। मैं आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं हूँ, आज मेरे परिवार की स्थिति क्या है ये मैं जानता हूँ, मेरे अलावा इस भावना को कोई नहीं समझ पाएगा। उसी दिन रास्ते भी बंद थे, पानी भी खूब आ रहा था, मैं बहुत क्रिटिकल स्थिति में अपने बच्चे को लेके गया हूँ। अब बड़े बड़े बच्चा स्वस्थ है? बच्चा स्वस्थ है, स्टेबल है। क्या किसकी लापरवाही मानते हैं आप? मैं पूरे अस्पताल की, जो कि वहाँ पे ना तो अच्छे डॉक्टर हैं, मैं उस समय डॉक्टरों को बुला रहा था, एक भी डॉक्टर आके ट्रीट नहीं कर रहे हैं, और उस पे से इंजेक्शन पे इंजेक्शन और बाटलों पे बाटल लगा गए। लास्ट टाइम मैं पूछना चाहता हूँ अस्पताल से कि उसको एनीमा क्यों लगाया था इनने, लास्ट में बच्चे को एनीमा लगाया, और मेरे पास सारे पर्चे हैं जो ये उस समय इंजेक्शन और सब लिख रहे थे, इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाए गए उसे, और इनने नहीं बोला है कि आप छुट्टी कराओ और बड़े अस्पताल ले जाओ। ये स्थिति बिगड़ने के बाद हमने लामा लेके वहाँ से छुट्टी करा के हम खुद लेके गए। कहाँ कहाँ शिकायत की आपने इसकी? मैंने कलेक्ट्रेट, सिटी कोतवाली, सीएमएचओ और भोपाल जो है आयुष अधिकारी वगैरह, जहाँ मेरा दिमाग दौड़ रहा है, मानसिक रूप से मैं प्रताड़ित हूँ, अब मैं कुछ कहने के उसमें नहीं हूँ। मैं आपका परिचय? मेरा नाम शाहिद खान है, मैं विनायक नगर में रहता हूँ। मैं